बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को मारने की साजिश रच रहा था। इसके लिए लॉरेंस गैंग तुर्की में निर्मित जिगाना पिस्टल का उपयोग कर सकता था। जिगाना पिस्टल से ही माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी। अतीक और अशरफ की हत्या अप्रैल 2023 में हुई थी। मुंबई पुलिस ने कहा कि इसी पिस्टल से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हुई थी। मुंबई पुलिस के पनवेल जोन 2 के डीएसपी विवेक अंसारे ने बताया कि 24 अप्रैल को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं से सलमान की हत्या की प्लानिंग को लेकर कुछ जानकारी हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बेंगलुरु से चिकना शूटर को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर सलमान के घर और फार्म हाउस की रेकी की थी। रेकी करने वाले लोग लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए थे और सलमान की गाड़ी पर हमला करना चाहते थे। इस मामले में पुलिस ने 10 से 12 आरोपियों की तलाश की है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी भी आरोपियों के कांटेक्ट में थी। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि उनके पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी सलमान खान की हत्या की साजिश रच रहे थे। इन सभी में से अजय कश्यप का नाम भी सामने आया है, जो इन सभी को मिलाने में अहम भूमिका निभाता है। पुलिस इस मामले में पाकिस्तान के एंगल से भी जांच कर रही है। अजय कश्यप हथियार स्मगलिंग का काम करता है और उसे ही हथियार को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोपियों ने श्रीलंका तक भागने का प्लान भी बना रखा था। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। वही पुलिस ने सलमान की वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है।